अलैकुम, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज 13 जुलाई है और आज जो है वो सुनने में आया है कि आज जो है वो हड़ताल है, स्ट्राइक है उन सारे ताजरों की और सबकी। तो दुकानें जो हैं वो ज़्यादातर बंद हैं और ये स्ट्राइक इसलिए की गई है ताकि जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस इम्प्लीमेंट किए हैं उनको, वो उनके खिलाफ जो है वो ये की गई है। तो अभी हम मेट्रो जा रहे हैं, तो मेट्रो से एक दो चीज़ें लेनी है और फिर आपसे मेट्रो में मुलाकात होती है। तो मेट्रो में उन्होंने जो है वो फिल्म नहीं करने दिया क्योंकि कहते हैं कि वो उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो मेट्रो से जो चीज़ लेने आए थे वो मिली नहीं, उसके अलावा और चीज़ें उठा ली। तो अभी बस हम वापस जा रहे हैं, तो सॉरी आपसे मेट्रो में नहीं दिखा सका, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तो आज जो है वो स्ट्राइक थी, ओवर मेरा कैमरा फोकस, स्ट्राइक थी ताजरों की और उनका ये मौक़ था कि जो है वो गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस जो है वो उन्होंने लगा दिए एक्स्ट्रा, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने हड़ताल की हुई थी। सुबह जब मैं निकला था तो उस टाइम पे जो है वो हड़ताल, मतलब काफ़ी सारी दुकानें, मतलब 90% दुकानें जो हैं वो बंद थी या बंद करवा रहे थे वो। तो अभी जो है वो हम निकले हैं, ज़रा देखते हैं कि F10 में जो है वो दुकानें खुली हुई हैं कि बंद हैं, क्योंकि वो सारा दिन तो न्यूज़ पे यही आता रहा है कि जो है वो दुकानें जो हैं वो बंद रही हैं। तो अभी देखते हैं कि जो है वो उधर दुकानें बंद हैं कि खुली हैं। तो अभी जो है वो F10 मरकज़ हम आ गए हैं, तो दुकानें जो है वो थोड़ी थोड़ी खुली हैं, नहीं एक्चुअली सारी खुली हैं, ज़्यादातर तो खुली हैं, लेकिन कुछ बंद भी हैं। मतलब जैसे बोरजान बंद है, बॉडी शॉप बंद है, कुछ बंद भी हैं और कुछ खुली भी हैं। बाटा खुला है, स्टाइलो खुला है, कैम्ब्रिज खुला हुआ है, वन बंद है, ब्रेकआउट बंद है, एडम्स बंद है, साइड पे दिखाता हूँ। और वो मुझे अंदर की तरफ भी लग रहा है कि अंदर भी जो है वो जो फूड मार्केट है वो भी बंद है। अभी जो है वो हम ज़रा थोड़ा सा फर्दर जा रहे हैं, हाँ बंद है, चारकोल भी बंद है। अभी जो है वो हम ज़रा फर्दर जा रहे हैं F7 की तरफ, देखने के उधर जो है वो दुकानें खुली हैं कि नहीं खुली। तो अभी जो है वो हम ब्लू एरिया से होके आए हैं और जो है वो 80% शॉप्स जो हैं वो बंद हैं और 20% जो है वो खुली हैं, कोई खाने पीने की, कोई शूटिंग की, कोई इक्का दुक्का खुली है। अभी हम F7 जा रहे हैं, उधर देखते हैं कि उधर क्या हालात है। F7 में जो है वो लग रहा है कि खाने पीने की ज़्यादा दुकानें खुली हैं, मीरत नान तो बंद है, मीरत नान बंद है। तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर लग रहा है कि ज़्यादातर शॉप्स जो है वो बंद हैं। अंदर भी देखो, बंद लग रही है, अंदर भी शॉप्स बंद हैं। अभी देखते हैं कि आगे वो सईद बुक बैंक वाली जो एरिया है वो खुला है कि नहीं खुला। सईद बुक बैंक खुला है, कैफे एट्रियो खुला है, बीच की भी मुझे लग रहा है बंद है। बीच की इधर ही है ना, इसके पास हम। इन दुकानें बंद होने के बावजूद जो है वो रश अपने अरूज पर है। हाईस खुला हुआ है,
तो F7 भी जो है वो तकरीबन 80% बंद था, सिर्फ कुछ मोबाइल शॉप्स खुली हुई थी और ज़्यादातर खाने पीने की शॉप्स खुली हैं। ये भी हम F10 वापस आ गए हैं और यहाँ पे एक ब्रीजे के साथ एक फन पॉप या कुछ इस तरह का नाम है उसकी जो है ना शॉप है। अब ये नहीं हमें पता कि वो किस चीज़ की शॉप है, पॉपकॉर्न की शॉप है या वो पॉपस्टिकल की शॉप है, मतलब वो आइस लॉली टाइप जो होती है। तो अभी हम जो है वो आइस देखते लगे हैं कि आइस लॉली है या क्या है, तो आपको दिखाते हैं। तो ये जो है वो मैं आया हूँ फंकी पॉप। पहले हमारा ख्याल था कि पॉपकॉर्न है, लेकिन ये फंकी पॉप जो है वो पॉपस्टिकल्स हैं। तो अभी जो है वो मंदिर जा रहा हूँ, देखते हैं कि फ्लेवर्स कौन कौन से हैं आपके पास। हमारे पास आइस क्रीम में जो इस टाइम अवेलेबल है, जामुन है, बेरी ब्लास्ट, मोइटो, वाटरमेलन, मैंगो सॉर्बेट और फाजा। कॉफ़ी नहीं है? कॉफ़ी है, क्रीम बेस्ड है। ऐसा करें कि मुझे कॉफ़ी दे दें। तो आप लोगों को कितना शौक है यहाँ पे? अच्छा, ये मैंगो भी है इसमें? इसमें मैंगो भी है, मैंगो क्रीम भी है। अच्छा, मैंगो क्रीम दे दें। हाँ मैंगो क्रीम दे दें, ये ले लो मैंगो क्रीम दे दें। मैंगो क्रीम का ये है ना, बता फ्रेश फ्रूट्स वगैरह में मैंगो सॉर्बेट भी है। मैं पहले ये ट्राई करूँगा ना। ये नाजरीन ये है, गलत पकड़ा हुआ मैंने शायद, खैर ये है। तो देखते हैं इसको भी ओपन करके, देखते हैं कि इसका क्या टेस्ट है, तो आपको फिर रिव्यू देंगे। तो ये हमारे भाई हैं जिन्होंने मुझे डील किया है और उन्होंने बताया कि ये है क्या बेसिकली फंकी पॉप। और तो अब थोड़ा सा बता दें सर, बेसिकली जो हमारा ब्रांड है ये टोटल, इसमें जितनी भी हमारे प्रोडक्ट है टोटल खालस होती है, क्योंकि इसमें कोई प्रेजिटेशन कोई आर्ट शक्कर है कोई फ्लेवर नहीं है। फ्रेश फ्रूट होते हैं, जामुन, जावा, लाइक बेरी ग्लास, इसमें चार बेरीज होती हैं, रसबेरी, ब्लू बेरी, ब्लैक बेरी, स्ट्रॉबेरी। लकी पॉप्स है, काफ़ी एक्सपेंसिव है हमारी, पर हम अपने कस्टमर के लिए एक नया कंसेप्ट, नई चीज़ लेके इस्लामाबाद में आए हैं। आप लोगों का यहाँ पे कोई और भी है आउटलेट? हमारा आउटलेट बैरी सिटी सेंटर में और इंशाल्लाह अंक्रीब सेंटर उसमें हमारा मूव करने का इंशाल्लाह प्लान है। सही सही सही। तो गाइस फंकी पॉप आइएगा और पॉपस्टिकल ट्राई कीजिएगा, मैं मैंगो क्रीम ट्राई करने लगा हूँ। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अच्छा जी, ये हम अब खोलने लगे हैं। खोलो, ठीक है। और ये हम निकाल रहे हैं, ये इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। ओह साइज तो बड़ा लग रहा है। जबरदस्त। हाँ, ओके भाई। तो फंकी पॉप से हमने पॉपस्टिकल ली है और आई मीन फॉर द प्राइस, वैसे दो उनकी हैं, एक 220 की है और एक 250 की है। 250 जो है वो क्रीम बेस्ड है और जो 200 वाली है वो 220 वाली जो है वो है। मुझे अच्छी लगी है वो इसलिए कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है जैसे वो भाई ने कहा। तो आइएगा, ये F10 में है और बैरिया टाउन में सिविक सेंटर में वो कह रहे थे और कहते सेंटोरस में भी खोलने लगे हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। हड़ताल चल रही है, अब पता नहीं कल हड़ताल होती है कि नहीं होती। अगर कल हड़ताल हुई तो फिर दोबारा वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।